जैसे ही खबर चली बढ़ी, पता हुआ भैया कि दोनों राजपुत्र नगर में आए हैं, पूरे मिथिलावासी दौड़ पड़े। मिथिलावासी आजो बहुत दौड़त है। हाँ, अयोध्या जी में आपको कहीं के वासी मिले न मिले, मिथिलावासी जरूर मिले हैं। हाँ, बहुत है मिथिलावासी, आनंद लगाए देते। बधाई में श्री सीताराम विवाह पावन महोत्सव चल रहा है, आप देखिए बधाई में मिथिला के महात्मा लोग आकर, क्यों? प्रेम के मारे। देखन नगर भूप सुत आए समाचार, धीरे धीरे नहीं चले, धाये धाम काम सब त्या मनोह रंग निधि लूटने लगे। मिथिलावासी लूटने लगे, क्या खजाना? खजाना कहाँ है? है ने रूप रास गुण कहीं न सिराए। छवि समुद्र अरे हमारे रघुनंदन सरकार की छवि, क्या कहना, जो जैसे हो वैसे दौड़ी पड़ा। छोटे छोटे बालक लोग राम लक्ष्मण प्रभु के साथ हो लिए और लगे नगर दर्शन कराने। है चला हमार घर है, हाँ उनका, हाँ उनका है, आ मैथिल भाव में परमात्मा सबको आनंदित करते हैं। जहां जाइए, ये प्रसंग हमसे कहता है, जहां जाइए रस बरसाई। आपसे जो मिले हो आप में अझुराए जाए, ऐसा जीवन हो हमारा। वो भेज न पावे। मेरी मां सखियों के साथ में बैठी ऊपरी परकोटे पर झरोखों से देखती हैं सखियां। आठ सखियां अपना अपना भाव सुनाती है। मैंने कई बार इस भाव का स्मरण किया है। सखी कौन? ब्रह्मा जी ऐसे, विष्णु जी ऐसे, चार भुजा चार मुख, शिव जी विकट वेश, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाले कौन हैं? दूसरी सखी ने कहा, मैं जानती हूँ, अयोध्या के महाराज के पुत्र है राम लक्ष्मण, इसलिए ऐसा यहाँ आए, मुन जी के साथ आए। तीसरे ने कहा, महाराज देख लें प्रतिज्ञा भुलाई जाएंगे। चुप कर महाराज, अविवेक का ही भजन करेंगे। उन्होंने देखा है, सम्मान भी किया है, मन है ना। अगली सखी बोली, सखी भगवान ब्रह्मा ने जीवन में कोई भी पुण्य समेटा होगा, समारा होगा, तो ये सांवला वाला ही हमारी किशोरी जी को मिलेगा। छठवीं एक असमंजस है, क्या वो धनुष इनसे टूटी? इतने कोमल हैं। सातवीं ने समाधान किया, आठवीं ने कहा, सखी जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को गढ़ा है उसी भगवान ब्रह्मा ने सांवले वाले को भी जन्म दिया। ताड़का का वध किया इन्होंने, असुर का संहार किया यज्ञ रक्षा में। हमारे कुल पुरोहित शतानंद महाराज जी की मैया अहल्या जी को गति प्रदान कर दिया। ये शिव जी के धनुष को तोड़े बिना रह नहीं सके, ये बड़े वीर है। अब एक सखी ने कहा, सखी स्वरूप दर्शन तो हो रहा है, काज इनका मुख दर्शन हो जाता। प्रातः मणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने यह बड़ा मधुर भाव रखा है, सुनिए बहुत अद्भुत पंक्तियां। सखी कहती है, कनी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरि में बसली मधुर जोरिया
सखियां कहती हैं मधुर मुस्कान कैला जनक चूके चित चोरिया एदी कैला जनक चूके चित चोरिया गुरुदेव भगवान अब हसी रहो राम भद्राचार्य अब हसी रहो जल जय लोचन की कोरिया ए जी जल जबिलो चन की कोरिया कनी तेरी रघुना हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचनी जाए जहां जहां बंधु दो तह तह पर जहां जाइए आनंद फैलाइए। देखिए न घर में विपत्ति बनिए और न किसी के घर में विपत्ति बनिए, न रोइए और न किसी को रुलाइए। कई लोग घर में रहे तब आफत और दूसरे के घर चले गए तब आफत। लोग सोचे कि कब जाई हैं वो, जल्दी टिकट बनवाओ था इनका। हाँ, ये तो रोज कर लीजिए को सब्जी खात है मिलत बा पात गोभी। अरे अपने घर में आप चाहे जिस आनंद में रहिए, जिसके यहां जाइए उसको आनंदित करिए। उसी व्यक्ति को लोग स्नेह करते हैं, बार बार ढूंढते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं जो सबको आनंदित करता है। आप जानते हैं एक घटना सुनाओ, लाइव चल रहा है इसलिए नहीं कहना बाबू जी। मैं जब लखनऊ में एक कथा करता हूँ तो लखनऊ से कम 2000 टेलीफोन आवते हैं। दुसरकी कब हुई? वो 12 से 20 मार्च इस वर्ष भी है। वो हमारे उप भैया कराते हैं, जो एक तो प्रधान जी ऑल इंडिया वीरेंद्र भैया की कथा है और एक उप भैया कराते न होए तो भगत लोग लखनऊ के अरे साहब ऑफिस का नोच डालते फोन करत कर। ये क्या है? भगवत प्रेम, प्रेम प्रेम ऐसे होता है। और लखनऊ में तो आने जाने में बड़ा कष्ट। फिर वही श्रोता 6 महीने बाद
वही सोता है। ये क्या है? मेरे से प्रेम नहीं है, राम जी की कथा से इतना प्रेम है। कितना प्रेम है सोचिए। अरे भाई एक बार सुन लिए, अब 3-4 साल बाद फिर सुनो। ना ना ना, ना। हर साल ऐसे। मैं तो ऐसा देखता हूं कि मेरे जो राम कथा में चित्त का प्रेम है, इससे भी अधिक मेरे श्रोताओं का प्रेम है। बहुत प्रेम, कितना प्रेम भगवान के प्रति। हम तो कथवा बचते हैं साहब। इसी प्रकार मिथिलावासी, बच्चे बाहर ले गए, मक्षाले का भगवान ने दर्शन किया, ये यहाँ बैठेंगे, वो वहाँ बैठेंगे, मुनि महाराज कोई आए हैं उनके साथ, द्विठ लड़िका हैं, ये ऊंचका मंच बा ऊपर लोग बैठी ल। वो बच्चे नगर के राम लक्ष्मण प्रभु से ही सुना रहे हैं, बच्चों को प्रेम देकर लाड़ लड़ाकर सरकार हमारे गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की गुरु आज्ञा प्राप्त हुई। संध्या वंदन से मुक्त होकर बयारु आरती, भोजन, प्रसाद और विश्राम, गुरुदेव भगवान विश्राम करने गए। मुनिवर शयन कीन्हे तब जाए लगे चरण चापन दो बार बार मुनि अज्ञा दे रघुबर जाई शयन तप का दर्शन किया जाए। यहां इस प्रसंग में विश्वामित्र बाबा विश्राम में गए। ब्रह्म राम, भगवान राम, प्रभु राम मुनि जी के चरण दबाने लगे। ये क्या है? संस्कार है। चरण दबाने से होता क्या? हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। ओके okay।